दोस्तों इन्फेंटिलाइजेशन हम किसे कहते हैं? इन्फेंटिलाइजेशन वो माइंडसेट है, वो परसेप्शन है जहाँ पे हम किसी भी टीनेजर को या बड़े बच्चे को बिल्कुल टॉडलर की तरह ट्रीट करते हैं और बिल्कुल उससे टॉडलर एक्सपेक्टेशंस या छोटे बच्चे की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ये सिर्फ बच्चों को लेकर नहीं है बल्कि ये माइंडसेट इवन डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी प्रिवेल करता है और ये इवन विमेन के लिए भी प्रिवेल करता है, इवन सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के लिए भी प्रिवेल करता है जहाँ पे उनको ये अनएबल वाली जो परसेप्शन है वो ट्रीट किया जाता है जैसे इनसे नहीं हो पाएगा कोई भी काम है तो ये नहीं इनसे नहीं होगा, ये इसके लायक नहीं है। और जहाँ पे मतलब आप अपनी वो जो पेट्रियार्कल जो वो माइंडसेट है, आप अपने आप को एबल समझते हैं और इनको डिसेबल समझते हैं, ऐसा वाला जो माइंडसेट है यही इन्फेंटिलाइजेशन को दरअसल नर्श करता है जहाँ पे हम बाद में कोई भी काम है तो हमें लगता है कि इनसे हो ही नहीं पाएगा, कहीं भी जाना है तो मर्द हजरात खुद को आगे कर देते हैं और बाकी लोगों को वो चाहे विमेन को या बच्चों को वो लेबल कर देते हैं कि इनसे नहीं होगा, ये काम अगर होगा तो मुझसे ही होगा। तो इस माइंडसेट को हम इन्फेंटिलाइजेशन कहते हैं। इन्फेंटिलाइजेशन दरअसल टारगेट ग्रुप के लिए होता है, ये चाहे विमेन चाहे डिफरेंटली एबल्ड चाहे जो बड़े बच्चे हैं या जो टीनेजर हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। शुक्रिया।